हाथीदह मराची सीमा पर गोलीबारी में ठेकेदार सहित दो घायल। पटना जिला अंतर्गत मुकामा प्रखंड के हाथीदह एवं मराची थाना क्षेत्र की सीमा पर गोलीबारी में आज एक ठेकेदार और उसका सहयोगी घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज शाम करीब 4 बजे पाइपलाइन के कार्यस्थल के पास IOCL के ठेकेदार सुधीर सिंह और उनके सहयोगी जितेश कुमार खड़े थे, तभी डुमरा की ओर से मोटरसाइकिल से दो लोग आए और गोलीबारी कर वापस भाग गए। ठेकेदार सुधीर सिंह के जांघ में गोली लगी, जबकि उनके सहयोगी जितेश कुमार को भी गोली का झटका लगा और वो घायल हो गए। बेगूसराय के एक निजी नर्सिंग होम में घायलों का इलाज चल रहा है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी की वजह क्या थी। प्रोजेक्ट चल रहा है, पाइपलाइन का। ये पाइप से क्या होगा, गैस जाएगा। कहाँ से कहाँ? आगे इसका सब स्टेशन है। अच्छा, सब स्टेशन से घर में सप्लाई देगा। तो कौन सा पाइप, कहाँ है पाइप? पाइप वो। अच्छा, तो गोली कहाँ पर चली? गोली यहीं पे चली है, अंदर में काम चल रहा था। कितने लोग थे चलाने वाले? एक लोग। एक ही लोग कैसे आया था? बाइक से आया था, एक बाइक पे था और एक जाके गोली चला रहा था। तो दो लोग था कि एक लोग? दो लोग था, एक बाइक पे खड़ा था। कितना फायर किया? करीब करीब दो फायर, तीन फायर किया। उसमें दो आदमी को लग गया? दो आदमी को लग गया। क्या क्या नाम था जिनको गोली लगी? सुधीर सिंह और जितेश कुमार। दिखाना पड़ता है तो अंदर में। किसको गोली लगी थी? सुधीर सर को। और एक ड्राइवर को, जितेश को। कैसे हुआ घटना? वो दो आदमी मोटरसाइकिल से आया वहाँ रोड पे, वो मोटरसाइकिल रुक दिया, एक आदमी उतर के गया, डायरेक्ट जाकर गोली चला गया। कितना गोली चला? तीन। लगा कितना गोली? दो गोली लगा। किसको? एक ड्राइवर को लगा, एक सुधीर सर को लगा। आपका क्या नाम है? मनकामनी है। तो आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पर काम करते हैं इसी पाइपलाइन में।